गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के घरों से गार्बेज कलेक्ट करने वाली कंपनी इको ग्रीन की मनमानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों ने उन ड्राइवर्स को टर्मिनेशन लेटर देना शुरू कर दिया है जिन्होंने कोविड की गाड़ियों से वेतन ना मिलने पर स्ट्राइक की थी। दरअसल हमने आपको 27 तारीख को खबर दिखाई थी कि कोविड पेशेंट का गार्बेज कलेक्ट करने के लिए गाड़ियों पर तैनात ड्राइवरों को पूरा वेतनमान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें वेतनमान काट कर दिया जा रहा है। जब उन ड्राइवरों ने इस बारे में विरोध किया और इस बारे में उन्होंने स्ट्राइक की तो उनको अब हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने बुला जरूर लिया है और उन्हें वेतन देने की बात भी बोली है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपना हक मांगने पर उन्हें टर्मिनेशन लेटर भी पकड़ा दिया है। ऐसे में साफ होता है कि कंपनी के अधिकारी मनमानी पर उतरे हुए हैं। हालांकि इस बारे में नगर निगम की बैठक के बाद गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने साफ किया था कि वो इस मामले की जांच करेंगे और इस मामले में जो भी खामियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। बावजूद इसके उनकी जांच से पहले ही उन्हें जो ड्राइवर हैं उन्हें टर्मिनेशन लेटर दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश ने, आइए सुनाते हैं आपको रिपोर्ट। इको ग्रीन कंपनी की मनमानी का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 27 तारीख को इको ग्रीन कंपनी के ड्राइवरों ने स्ट्राइक की थी। वो स्ट्राइक करने का कारण ये था कि उनकी सैलरी रोक ली गई थी, इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जो गाड़ियां चलाते थे वो गाड़ियां उन्होंने वहीं के वहीं रोक दी और गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया। और मनमानी का सिलसिला लगातार इस कदर जारी है कि इको ग्रीन कंपनी ने अपनी कंपनी का एक ड्राइवर को जो है निलंबित कर दिया है, उसको टर्मिनेटर लेटर थमा कर उनको कंपनी से निकाल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तेज़, क्या मामला है, किस वजह से आपको कंपनी से निकाला गया? सर जी, मैंने उस दिन जो स्ट्राइक हुआ था, जो सैलरी नहीं दिया इन्होंने, उसके पीछे जो स्ट्राइक हुआ उसमें हमें इन्होंने झांसा दे करके यहाँ बुलाया सारे ड्राइवरों को और बारी बारी से ऑफिस में ले जा करके मुझे तो धमकाया। अन्य लोगों का मुझे पता नहीं कि उन लोगों से क्या कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे वहाँ से बुला करके झांसा दे करके ऑफिस बुलाया और बुला करके ना हमसे बोला गया कि आपकी पेमेंट बना ली गई है, आप अपनी पेमेंट ले जाइए और चाबी जमा करिए। मैं यहाँ आया तो चाबी हमसे ले ली गई और टर्मिनेटर लेटर हमारे हाथ में दे करके और हमसे कहा कि आप जाइए, आप जैसा करना चाहें वैसा करिए, ठीक है। अब पेमेंट आपको मतलब अगर जो भी होगा टाइम के हिसाब से मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप जैसा चाहें वैसा करें। आपको जो सैलरी बकाए थे आपकी, जिसके कारण आपने प्रदर्शन किया था, तो वो सैलरी आपको मिली या नहीं मिली? नहीं, अभी नहीं मिली सर, वो पेमेंट नहीं मिली है और हमारे हाथ में टर्मिनेट लेटर 27 तारीख को ही दे दिया गया था। कितने महीने की सैलरी आपकी बकाया है यहाँ पर? 3 महीने का 6,000 है, किसी का किसी में 6,200 है, किसी में 6,400 है, इस तरीके से है। और 27 दिन की ये पेमेंट है प्लस जो 6,000 बोनस का उसका देने को बोला था इंसेंटिव का, वो भी नहीं मिला। प्लस 100 रुपये खाना के देने के लिए बोला था, कुछ भी नहीं दिया सर, खाली टर्मिनेटर लेटर दिया है जो मेरे हाथ में यहाँ है। आप चाहो तो मैं वो दिखा सकता हूँ सर, ये टर्मिनेटर लेटर दिया हुआ है। बाकी तो इनके पास इनने कुछ नहीं दिया सर, मुझे वहाँ से टर्मिनेट करके निकाल दिया गया। टर्मिनेटर लेटर जो है वो कंपनी ने इनके ड्राइवर के हाथ में थमा दिया है। गुरुग्राम न्यूज़ के माध्यम से सभी ड्राइवरों ने अपनी आवाज़ सरकार और जिला प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद जो है कंपनी ने फैसला लिया कि तेजस नाम के एक ड्राइवर को है उन्होंने निलंबित कर दिया, कंपनी से बर्खास्त कर दिया है। इस वक्त हम गुरुग्राम के इको ग्रीन कंपनी है जो डंपिंग पॉइंट जो इनका जहां से गाड़ियां बनकर निकलती हैं जगह जगह से कूड़ा उठाने के लिए वहां पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सभी गाड़ियां जो हैं यहां से बनकर निकलती हैं और जो गुरुग्राम जो शहर है उसके अलग अलग कोनों से यहां से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां निकलती हैं। आपको बता दूं कि इको ग्रीन कंपनी है उसकी मनमानी इस कदर लगातार जारी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब इनको
पेनल्टी लगाई थी, ये टाइम पर कूड़ा नहीं उठाते थे, इस वजह से जो है इनको ऊपर पेनल्टी लगाई थी। डंपिंग पॉइंट जो बनाए गए थे कूड़े के, वहाँ से कूड़ा समय पर ना उठाने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा इनके ऊपर लाखों का जुर्माना लगा था, और उसके बाद लगातार जो है इकोग्रीन कंपनी की मनमानी लगातार जारी रही, और ये जो है शहर के अलग अलग इलाकों से शिकायत रही कि जो कंपनी है वो कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रही है, जो इनके वर्कर हैं वो कूड़ा उठाने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, जो बदस्तूर है जो इनकी मनमानी का सिलसिला लगातार जारी रहा। और आज हालात ये रहे कि जब ड्राइवरों ने अपनी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की तो एक ड्राइवर को जो है टर्मिनेट कर दिया गया। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम इको ग्रीन का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इको ग्रीन कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है, किस वजह से जो है तेजस को कंपनी से टर्मिनेट किया गया है। इस बारे में हमने कंपनी के अधिकारियों से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से साफ मना कर दिया। 27 तारीख को भी हमने कंपनी के जो मीडिया प्रभारी हैं विक्रांत जी, उनसे भी बात करने का प्रयास किया था तो उन्होंने मीडिया को बरगलाया था कि गाड़ियां सुचारू रूप से चालू हैं, जबकि हमने आपको दृश्यों के माध्यम से दिखाया था कि सभी जो भी ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आज भी हमने प्रयास किया कि कंपनी के अधिकारियों का वर्जन लिया जाए कि आखिर वो इन ड्राइवर्स के साथ मनमानी क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्होंने कैमरे के आगे आने से मना कर दिया है। इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों से जब इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की, उनके पक्ष जानने की कोशिश की, तो उसके बाद उन्होंने आधे घंटे के इंतजार के बाद ये मना कर दिया कि कोई भी सीनियर जो है कंपनी में मौजूद नहीं है। इको ग्रीन वही कंपनी है जिसपे जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया था इनकी लापरवाही के चलते कारण। डंपिंग पॉइंट जो बनाए गए थे शहर में अलग अलग, वहाँ पर समय पर कूड़ा नहीं उठ रहा था, जिस वजह से शहर में बदबू का माहौल हो गया था और ज़्यादातर सड़कों पर जो है कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ था, जिससे कि शहर की सुंदरता है वो कम हो रही थी और शहर के अलग अलग कोनों में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। बावजूद इसके कंपनी जो है अपनी लगातार मनमानी करते जा रही है। कल जब जो निगम आयुक्त हैं विनय प्रताप सिंह, उनसे इस बारे में जानकारी दी गई कि कंपनी ने जो है कोविड महामारी के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था इकोग्रीन को, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो ड्राइवर हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो काम कर रहे हैं गाड़ियों में उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया है। उसके बाद जो है निगम आयुक्त ने ये दावा किया था कि अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन जो कंपनी है इकोग्रीन उनको ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का डर है ना ही जिला प्रशासन का। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोग्रीन केवल अपनी मनमानी कर रही है और मनमानी के कारण ही आज परिणाम ये हुआ कि एक जो ड्राइवर है उसको अपनी उसको जो है अपनी आवाज़ उठाने का परिणाम ये भुगतना पड़ा कि उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।